दोस्तों, ममता की किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाना सिखाऊंगी आपको एग करी, जो कि सभी लोग बनाते हैं, लेकिन हर एक के बनाने का अपना अपना एक स्टाइल होता है। तो मैं आज अपने स्टाइल से आपको बनाना सिखाऊंगी एग करी। यहाँ मैंने 10 बॉइल्ड एग लिए हैं, इनको मैंने पील कर लिया है। एग करी बनाने के लिए हम अंडों को एग्स को प्रिक करेंगे। मैं इनको फोर्क की सहायता से प्रिक कर रही हूँ, इससे ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे एग्स प्रिक कर लेंगे। मैंने सारे एग्स प्रिक कर लिए हैं, आइए अब इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने गैस ऑन कर ली है। इसमें मैंने कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, सरसों का तेल। आइए अब हम एग फ्राई करते हैं। तेल गर्म हो चुका है तो मैं एग फ्राई कर रही हूँ। एग्स को गोल्डन ब्राउन होने तक हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। इन्हें लगातार चलाते रहें जिससे कि ये एक से फ्राई हो, कहीं ज़्यादा तेज या हल्के ना रह जाएं। देखिएगा अंडे फ्राई हो चुके हैं, तो आइए हम इन्हें निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4-5 प्याज ली है, 8-10 लहसुन की कलियाँ, 7-8 काली मिर्च और 6-7 लौंग। इन सबको हम ग्राइंड करेंगे। इन्हीं के साथ ही मैं एक टमाटर भी इसमें डालूंगी। अब मैं इसमें ग्राइंड करा हुआ मसाला डाल रही हूँ। वन टीस्पून साल्ट डाल रही हूँ। हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, वन टीस्पून टर्मरिक पाउडर, वन टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला, ग्रेवी को 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है तो हम इसमें एग डालेंगे। एक 2 मिनट तक हम इसको धीमी आंच पर ऐसे ही पकने देंगे जिससे कि एग में अंदर तक मसाला चला जाए। 1-2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डाल रही हूँ। इसे हम धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे।
ढककर मैं इन्हें पका रही हूँ। देखिएगा तैयार हो चुकी है एक करी। अब मैं इसे हरी धनिया से गार्निश करूँगी और गर्मा गर्म ही सर्व करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने व्यूज मेरे साथ शेयर कीजिए और फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।